लोकसभा चुनाव में यूपी में झाड़ू चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। गौतम बुद्ध नगर सीट पर तो नहीं बन सकी बात। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोककर उत्तर प्रदेश में पार्टी के पांव जमाने की कोशिश की थी। केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी को सर्वाधिक आबादी वाले और राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य में उन्होंने लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। पार्टी के कार्यकर्ता शहर व गाँव में झाड़ू लेकर प्रचार करते नजर नहीं आएंगे। वे विपक्षी गठबंधन IND IA के प्रत्याशियों को प्रचार करेंगे। सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की जनता से अपील करेंगे। पार्टी ने यहां दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट मांग रही थी, लेकिन नहीं मिली। जहां दिल्ली व पंजाब जैसे अन्य राज्यों में विपक्षी गठबंधन के साथ वह मैदान में है, वहीं उत्तर प्रदेश में सिर्फ प्रचार ही करेंगे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोककर उत्तर प्रदेश में पार्टी के पांव जमाने की कोशिश की थी। केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी को सर्वाधिक आबादी वाले और राजनीति की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज उन्होंने लॉन्च किया। संजय सिंह को यूपी प्रभारी बनाया है और संगठन निर्माण में वह जुट गए। वर्ष 2017 के विधानसभा व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी चुनावी मैदान में उतरने का साहस नहीं कर सकी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 349 प्रत्याशी मैदान में उतारे और सभी को जमानत जब्त हो गई। सभी प्रत्याशियों को मिलाकर महज 347,147 वोट मिले। वोट प्रतिशत सिर्फ 0.38% था। वर्ष 2023 के नगर निकाय चुनाव में 6 नगर पंचायत अध्यक्ष, 3 नगर पालिका अध्यक्ष, 59 नगर पंचायत सदस्य, 28 नगर पालिका सदस्य व नगर निगम वार्डों में पार्टी के 8 पार्षद जीते तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ा। लोकसभा चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई, लेकिन दिल्ली में शराब कांड के आरोप में पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह 4 अक्टूबर वर्ष 2023 में जेल भेज दिए गए। तब से यहां संगठन कमजोर हो गया। चुनाव न लड़ने की वजह यही बताई जा रही है। पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह कहते हैं कि पार्टी हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसका पालन किया जाएगा।